का क्या होता है कि लंबे समय तक जो है वो चीज़ें एक ही रफ्तार में चलती रहती हैं, तो उनका जो असर होता है वो उस तरह से कायम नहीं हो पाता। अब जब हम नए सिरे से ये सब शुरू कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और हम समय समय पर इसी तरह से मिलकर के और बातचीत करते रहेंगे, अपनी बातें एक दूसरे के साथ बांटेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आज जो मुझे विषय दिया गया है वो है भाषाई चिंतन। साथ में एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, जो भाषा है वह एक ऐसा तत्व है जो हमें दूसरे प्राणियों से बिल्कुल अलग भाषा तो कहने को पशु पक्षियों की भी है। हमारे यहाँ कहा गया है खग समझे कभी तुम भाषा, यानी पक्षी ही पक्षी की भाषा समझता है। भाषा तो उनके पास है लेकिन वो भाषा वैसी नहीं है जैसी हमारी, क्योंकि उस भाषा के अंदर संकेतों का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कई बार कि जो चिड़िया होती है वह जब आसमान के अंदर बिजली कड़क रही होती है तब अलग तरह की आवाज़ निकालती है, और अगर उसको बिल्ली दिखाई पड़ जाए तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालती है। ये उसकी ध्वनियाँ हैं और हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जो ध्वनि होती है वो भाषा की अविभाज्य इकाई है। उस इकाई को आप जो है वो तोड़ नहीं सकते। ध्वनि को भाषा की रचना भाषा की उत्पत्ति दरअसल ये जो ध्वनि संकेत होते हैं इन्हीं के जरिए होती है। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं, जैसे हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान है वे जानते होंगे कि एक शब्द काम में लिया जाता है काक, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, काक है कृष्ण है पिक है कृष्ण है को भेदो काक है काक। आप जानते हैं ये शब्द कैसे बना, क्यों बना? काक का मतलब होता है कौवा, क्योंकि वो जो जानवर है वो का का की ध्वनि करता है इसलिए उसको काक कहा है। का के जो का करता है वो काक है। तो इस तरह से ध्वनियों के माध्यम का के जो का करता है वो काक है। तो इस तरह से ध्वनियों के माध्यम से शब्द बनते हैं और वो जो शब्द हैं ऐसा नहीं है कि उनका कोई स्थायी अर्थ होता हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल जो है वो कुछ शब्दों को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है,
और ये भी कहा जा रहा है कि साहब ये संसदीय नहीं है और ये जो है वो जनता के बीच में व्यवहार करने योग्य नहीं है और ये गैर संसदीय है और विधान परक नहीं है, यानी क्या क्या बातें कही जा रही हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो शब्द होता है वो अपना कोई अर्थ नहीं रखता है। उसके अंदर अर्थ जो संदर्भ होते हैं वो पैदा करते हैं, संदर्भों के माध्यम से ही उसमें अर्थ आता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि शब्द को जीवन देने का काम ये जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश होता है, क्योंकि संदर्भ इसी से जुड़े हुए, यूं कहना चाहिए कि हमारा जो सामाजिक जीवन है वो सामाजिक जीवन है तो शब्दों के अंदर अर्थ पैदा करता है, ऐसे कोई अर्थ नहीं होता उसका। अगर मान लीजिए ऐसा होता हो तो फिर एक शब्द का हर जगह वही अर्थ होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, हर जगह वही अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे ही संदर्भ बदलता है उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो ये बात हमें मान करके चलनी चाहिए कि हम जिस सामाजिक परिवेश के अंदर रहते हैं, जिन परिस्थितियों के बीच में लोगों के साथ में हमारा व्यवहार होता है, संवाद होता है, वो परिवेश, वो जीवन संदर्भ, वो सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां, वे ही शब्दों को अर्थवान बनाती हैं। इसलिए जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस शब्द की जो अर्थ परंपरा है वो क्या है। अगर हमने उसकी अर्थ परंपरा को, या यूं कहना चाहिए कि उसका जो अर्थ परिमंडल है, उसके अर्थ का जो एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फिर हम कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। कबीर का एक दोहा सुनाता हूं मैं आपको, आप कल्पना करेंगे कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरह की बात करता है। वो कहते हैं, सब्दे मारा मरी गया, सब्दे छोड़ा राज, जो नर शब्द पिछाणिया ताका सरिया काज। तो आप वो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि शब्द की वो जो सामाजिक अर्थ परंपरा है, उस सामाजिक अर्थ परंपरा को समाज ने उसको जो अर्थ दिया है, उस अर्थ को आप जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी शब्द को कोई मनमाना अर्थ देना चाहें और जनता उसको स्वीकार कर दे, ऐसा नहीं होता है कभी। फिर तो ये है कि मेरा अपना शब्दकोश होगा, इनका अपना शब्दकोश होगा, इनका अपना शब्दकोश होगा, इनका अपना शब्दकोश होगा, सबका अपना अपना शब्दकोश होगा, और यही तैयारी की जा रही है, यही तैयारी की जा रही है, अपना शब्दकोश बनाना चाहते हैं। अरे भाई, समाज के अंदर जो शब्द स्वीकृत है उन शब्दों को आप समाज से बहिष्कृत कैसे करना चाहते हैं। समाज ने उन शब्दों के अंदर कोई अर्थ पिरोया है, पैदा किया है, तो उसके पीछे समाज के अनुभव की
उसके संघर्ष की एक लंबी परंपरा रही, तब जाकर के वह शब्द अर्थवान बना। आप उन अर्थों को उन शब्दों से छीन लेना चाहते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो शब्द सुनने में आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि मुझे कोई शब्द सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसे शब्द के अर्थ को ही भ्रष्ट करने लगता। इसके इसी से जुड़ी हुई एक बात और मैं कह दूं, वो ये है कि जो शब्द है वो अपने आप में न कोई अच्छा होता है न बुरा होता है, न अश्लील होता है न अश्लील होता है। शब्द या तो परिचित होता है या अपरिचित होता है, यानी जिन शब्दों को मैं जानता हूं वो शब्द मेरे परिचित है, जिन शब्दों को मैं नहीं जानता वो मेरे लिए अपरिचित है। जर्मन भाषा के शब्दों को मैं नहीं जानता, मैं उनसे अपरिचित हूं। मैं हिंदी के शब्दों को जानता हूं, उनसे मैं परिचित हूं। तो इसलिए अगर हिंदी में कोई ऐसा शब्द मेरे लिए काम में लिया जाएगा जिसे सुनकर के मुझे बुरा लगे तो निश्चित रूप से मेरी प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक है। लेकिन अगर मेरे प्रति जो है वो अपशब्द कहने वाला जर्मन के किसी शब्द को काम में ले ले तो मैं तो नहीं जानता उसको वो क्या कह रहा है, नहीं जानता ना उसने क्या कहा। कई बार हम देखते हैं कि कोई आदमी अंग्रेजी के अंदर गाली देता है तो कई लोग नहीं जानते हैं वो क्या कह गए, लेकिन होती हकीकत में वो गाली। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द या तो परिचित होगा या अपरिचित होगा, इसके अलावा शब्द की और कोई जो है श्रेणी नहीं होगी हुआ करती। अब आप उसको जो है कि कौन सा शब्द जो है वो वैधानिक है, कौन सा शब्द अवैधानिक है, कौन सा संसदीय है, कौन सा असंसदीय है, कौन सा मर्यादित है, कौन सा अमर्यादित है, कौन सा अश्लील है, कौन सा अश्लील है, ये जो इस तरह की श्रेणियां बनाई जा रही हैं, इन श्रेणियों का शब्दों के संदर्भ में कोई मतलब नहीं। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि सार्वजनिक जीवन के अंदर हम इन शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं और उनको सुनते हुए कभी आदमी जो है वो उस तरह से अन्यथा भी नहीं लेता। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर मान लीजिए किसी मान्य संवैधानिक संस्था के मंच पर किया जाता है तो उसमें कहां दिक्कत है, क्योंकि वो तो हमारे सार्वजनिक जीवन के अंदर स्वीकृत है। हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि अपशब्द नहीं होने चाहिए, जो एक तरह से हमारी जो है वो अपसंस्कृति को प्रकट करने वाली है। क्योंकि जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको जब हम भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो शब्द जब एक निश्चित क्रम के अंदर, एक निश्चित फॉर्म के अंदर जब उपयोग में लाए जाते हैं तो वो भाषा का रूप ग्रहण करते हैं, उनको हम भाषा कहते हैं। और वो जो भाषा है वो भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है मित्रों, बल्कि वह भाषा हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे संस्कार, हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान, हमारे जो सामाजिक संपर्क हैं, उन सब का प्रकटीकरण होता है, वो उन सब को प्रकट करता है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा कि भाषा तो पशु पक्षियों की भी होती है, लेकिन वो भाषा बिल्कुल सांकेतिक होकर के रह जाती है, जबकि हमारी जो भाषा है
वो चाहे संकेतों के माध्यम से ही बनी हो, लेकिन चूंकि समाज ने उन संकेतों को एक विशेष अर्थ दे दिया है, इसलिए हम उसके माध्यम से उन अर्थों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उससे पता चलता है कि कौन व्यक्ति क्या सोचता है। इसीलिए आप देखिए कि जो भाषा है वह संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर मैं ये कहूं कि संस्कृति की पहचान कराने का काम किसी घटक के माध्यम से किया जाता है, किसी तत्व के माध्यम से किया जाता है, तो वह भाषा है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, यही वह तत्व है जो हमें दूसरे प्राणियों से अलग करता है, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, और जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, दूसरे के प्रति हमारे मन में कैसी धारणाएं हैं, ये सारी बातें जब हम भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, तब ही पता चलता है कि हमारा स्तर क्या है। अगर मान लीजिए सारा मामला गूंगे के गुड़ जैसा हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर तो एक अगर उसको खाएगा तो भी उसकी अभिव्यक्ति वैसी ही होगी, और दूसरा खाएगा उसकी भी अभिव्यक्ति वैसी ही होगी। लेकिन जिसके पास में बोलने की क्षमता है, जिसके पास में भाषा है, वो उसे खा करके ये बता सकता है कि इसको खाने के बाद कैसा अनुभव करता है। ये जो ताकत है मनुष्य के पास, बहुत बड़ी ताकत है उसकी, और इसी ताकत ने मनुष्य को संपूर्ण प्राणी जगत के अंदर सिरमौर बना रखा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और हमें जाननी चाहिए, और वो ये है कि भाषा कोई दैवीय वरदान नहीं है। कुछ लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि भाषा दैवीय वरदान है, ईश्वर ने जो है वो आपको हमें दान में दे दी हो या कृपा करके दे दी हो, ऐसा कुछ। भाषा को बाकायदा मनुष्य ने अपनी जो लंबी संघर्ष यात्रा है, उस लंबी संघर्ष यात्रा के अंदर कमाया है, पाया नहीं है, कमाया है। वो मनुष्य जाति की कमाई है, मनुष्य जाति के द्वारा अर्जित की हुई चीज। तो वो जो एक बहुत बड़ी चीज मनुष्य जाति ने अर्जित की है, आविष्कृत की है, जिसने उसको इतना शक्तिशाली बनाया है कि आज वह अपने आप को इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर समूचे प्राणी समुदाय के बीच में विशिष्ट के रूप में पहचान करा रहा है। तो ऐसी जो चीज है, ऐसा जो तत्व है, उस तत्व का हम लोग कई बार जो है वो गैर जिम्मेदारी के साथ उपयोग करते हैं, जबकि उसका उसके प्रति गैर जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है, उसके प्रति बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्कता के साथ उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहूं कि आप भाषा के मामले में जितने ज्यादा मितव्ययी हो सकते हैं, मितव्ययी
उतने ही ज्यादा प्रभावशाली बात कहने में समर्थ हो, क्योंकि जिनके पास में जो जो क्या है कि कई लोगों को आपने देखा होगा, लफाज किस्म के लोग जो जाने क्या अंत शंट बोलते रहते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे लोगों की जो बातें हैं वे लोगों के ऊपर कोई बहुत असर पैदा नहीं कर पाती। आदमी एक कान से सुनता है, दूसरे कान से उनको निकाल देता है। लेकिन जो व्यक्ति नपे तुले शब्दों के अंदर अपनी बात कहता है, सारगर्भित तरीके से कहता है, उसकी बात को लोग सुनते हैं गंभीरता के साथ। तो जब हम भाषाई चिंतन पर विचार कर रहे होते हैं तो हमें इन इन सारी चीजों को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका जिनको काम में लेकर के हम भाषा के स्तर पर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, और साथ ही साथ समाज ने हमें जो एक शक्ति प्रदान की, भाषा नाम की जो शक्ति है, भाषा नाम का जो एक अस्त्र आपको दिया है, उस अस्त्र का आप कितना सार्थक उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हथियार है। और ऐसा नहीं है कि कोई भौंतरा हथियार है। मैंने अभी कबीर का एक दोहा सुना करके आपको बताया, वो भौंतरा हथियार नहीं है। इसलिए उस इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह की दुधारी तलवार है। भाषा का इस्तेमाल दुधारी तलवार की तरह होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी सामने वाले को घायल करने के चक्कर में खुद घायल हो जाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो 4-6 साल पहले जो है ना, वो इस तरह की बातें किया करते थे कि रुपया गिरता चला जा रहा है। और आज जो है ना, वो रुपया ऐसा गिरा है कि उठ ही नहीं पा रहा। भाई जब आप किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो चीज आपके ऊपर भी जो है चरितार्थ हो जाए, आप पर भी घटित हो जाए। इसलिए मैंने कहा वो एक दुधारी तलवार। रूस के एक बड़े मशहूर कवि हुए हैं रसूल रमजातोव, वहाँ जैसे हमारे यहाँ पर स्थानीय भाषाएं हैं, ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है। इसी तरह से किसी जमाने के अंदर जब सोवियत संघ हुआ करता था तो जो ताशकंद के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर एक भाषा बोली जाती है, उसको अवार कहते हैं, अवार। उस अवार भाषा के वो बड़े मशहूर कवि हुए रसूल रमजातोव। तो उन्होंने अपने एक संस्मरण के अंदर लिखा है कि जिस व्यक्ति को भाषा का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है और वह अगर मान लीजिए इस तरह के शब्दों को काम में लेता है जिन शब्दों से उसका कभी कोई वास्ता नहीं रहा हो, तो उसकी स्थिति ठीक वही होती है जैसे आप तैरना नहीं जाने और उफनती हुई नदी के अंदर कूद पड़े। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको तैरना नहीं आता है और वो नदी उफनती हुई बह रही है, उसमें अगर कूदेंगे तो हास्य क्या होगा। यही स्थिति भाषा के संदर्भ में, इसलिए उसका उपयोग करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए।
भाषा चिंतन के संदर्भ में। इसके अलावा एक बात की तरफ मैं और आप लोगों का ध्यान खींचूंगा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो स्थायी नहीं हुआ करता है, वो बदलता रहता है, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, भौगोलिक स्थितियां उसके ऊपर असर डालती हैं, यहां तक कि भौगोलिक स्थितियों के कारण शब्दों के उच्चारण में अंतर आ जाता है। हम जानते हैं पुराने जो लोग हैं वो पुराने लोग कई बार मतलब को मतलब बोल जाते हैं, कहने का मतलब उनका वही है, वो बोलना मतलब ही चाहते हैं लेकिन बोल जाते हैं, क्योंकि उनका जो परिवेश है उस परिवेश के अंदर उन्होंने उन ध्वनियों को उसी रूप में सुना है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं। छोटे बच्चे जो है वो जलेबी को जबेली बोलते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि उस बच्चे का जो भारतीय ज्ञान है वो सीमित है और साथ ही साथ उसने किसी को उस तरह से उच्चारण करते हुए सुना है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने सुख के लिए, अपने मुख सुख के लिए उस शब्द को बदल देते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण करने में हमें सहूलियत है। कुछ शब्द भाषा के अंदर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको क्या है कि आदमी अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेता है। इसको सामान्य तौर पर जो भाषाई चिंतन है उसके अंतर्गत मुख सुख कहते हैं, मुख का सुख, जैसा आपको बोलने के अंदर सहूलियत हो, जैसा बोलने में आपको अच्छा लगे उस तरह से आप उसको बोल जाते, उसको अन्यथा नहीं लिया जाता, कभी अन्यथा नहीं लिया जाता। आप ये मत सोचिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इस शब्द का गलत उच्चारण कर दिया है तो इसको कोई जो है वो मेरा जो है वो मेरी अपात्रता समझेगा, मेरी जानकारियों के अंदर कमी समझेगा, क्योंकि एक बात भाषा के बारे में और कही जाती है कि भाषा जितनी ज्यादा भ्रष्ट होती है उतनी ही ज्यादा उत्कृष्ट होती है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा का। क्या होता है कि जो भाषा नियमों में बांध दी जाती है, जिस पर व्याकरण लाद दी जाती है और कदम कदम के ऊपर उस भाषा का इस्तेमाल करने वाले से ये उम्मीद की जाए कि ये बिल्कुल नियमानुसार ही इसका उपयोग करे, व्यवहार करे, उसका नतीजा ये निकलता है मित्रों कि हालत संस्कृत जैसी हो जाती, जबकि संस्कृत दुनिया की समृद्धतम भाषा है, समृद्धतम भाषा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, और किसी पक्ष से आप मत सोचिए, समृद्धतम भाषा है, क्योंकि वह ऐसी भाषा है जिसके अंदर एक एक शब्द की धातु और प्रकृति आपको बताई गई है और साथ ही साथ एक धातु से जाने कितने कितने रूप बनते हैं। दुनिया की दो ही भाषाएं ऐसी हैं जिनके अंदर ये खूबी मिलती है, अरबी और संस्कृत। उन दोनों भाषाओं के अंदर ये खूबी, तो एक एक धातु से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। इतनी वैज्ञानिक, इतनी समृद्ध भाषा,
एक उदाहरण देकर के बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक शब्द है पत, फिर वही बात आती है कि ये कहां से आया शब्द, प्रकृति से आया। प्रकृति के अंदर पेड़ का पत्ता गिर करके जब जमीन के ऊपर आया तो जमीन से जब जो ही जमीन को छुआ उसने तो उसमें से खास तरह की ध्वनि निकली पत्ते, और उसी से शब्द बन गया पत्ता और पत्र और पतति और अपतत और पतंती और जाने कितने कितने शब्द जो है ना, और पति पति, और फिर एक वजन भी बन गया पति तपावन सीतारा। कुछ लोग तो इसको ऐसे बोलते हैं जैसे पति को तपाने वाला हो, जबकि हकीकत में वो पतित है, पतित पावन सीतारा। तो वो मेरे कहने का मतलब इतना है कि वो जो शब्द है वो शब्द उस तरह से संस्कृत के अंदर भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करता चला गया है। वो एक ध्वनि यानी कितने कितने रूप ग्रहण करती चली गई। तो ऐसी समृद्ध भाषा जब व्याकरण के नियमों में जकड़ दी गई तो उसका नतीजा ये निकला कि आज वो केवल किताबों तक सिमट करते रहे, उसका व्यवहार कौन कर रहा है, कौन काम में लेता है उस भाषा को। इसलिए भाषा जो है वो जितनी ज्यादा जनता के बीच में काम में ली जाएगी, जनता जितना ज्यादा उसको काम में लेगी उतनी ज्यादा वह विस्तार ग्रहण करती जाएगी, उतनी ही ज्यादा वह समृद्ध होती जाएगी और उतनी ही ज्यादा उसका उसका जो वैभव है वो वैभव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए भाषाओं को लेकर के किसी तरह की संकीर्णता दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो है वो जानबूझ करके भाषाओं के मसले को लेकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहते हैं समय समय पर। वो चाहे कभी हिंदी उर्दू का मसला हो, चाहे वो कभी हिंदी या दक्षिण भारतीय भाषाओं का मसला हो, हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी लोगों का मामला हो, वो केवल केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने का कंडा बना। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप देखिए भाषाओं के अंदर किस तरह का कन्नड़ जो कर्नाटक संगीत है, उस कर्नाटक संगीत के एक मशहूर संगीतकार हुए त्यागराज। वो त्यागराज मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, यानी उनकी मातृभाषा तमिल थी। वो त्यागराज लिखते तेलुगु में थे, अब देखिए आप, और गाते कन्नड़ में। कैसी विविधता है। इसी तरह से हमारे यहां का आप हिंदुस्तानी संगीत देख लीजिए पूरा का पूरा। उस हिंदुस्तानी संगीत के अंदर आपको हिंदी और उर्दू का भेद कहां देखने को मिलता है। उस हिंदुस्तानी संगीत के अंदर ज्यादातर जो संगीतकार है वे सब मुसलमान हैं ज्यादातर, और वे आपको मीरा के भजन गाते हुए सुनाई पड़ जाएंगे, सूरदास के भजन गाते हुए आप उनको सुन सकते हैं, कबीर के भजन गाते हुए आप उनको सुन सकते हैं, तुलसी के भजन गाते हुए आप उनको सुन सकते हैं, है? आप उनको नामदेव का भजन गाते हुए सुन सकते हैं। कहाँ है इसका मतलब, भाषाओं को लेकर के जो है जो झगड़े पैदा किए जाते हैं उन झगड़ों के पीछे मंतव्य कोई दूसरा होता है।
सामान्य जनता को इन झगड़ों से कोई मतलब नहीं, बल्कि सामान्य व्यक्ति के लिए तो भाषाओं का जो आदान प्रदान होता है वो उसे बहुत कुछ सीखने, समझने और उसे अपने अनुभव और ज्ञान का विस्तार करने का अवसर देता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके इस तरह का कुचक्र रचते रहते हैं और उस कुचक्र के माध्यम से वो अपने राजनीतिक स्वार्थ हल करते हैं, जिसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो जो हमारे समाज का जो स्वरूप है, बहुभाषा भाषी स्वरूप, बहु धर्मी स्वरूप, वो बहुभाषा भाषी और बहुधर्मी स्वरूप बिगड़ता, जबकि आज जरूरत सबसे ज्यादा इसी बात की है कि हमारे समाज का यह स्वरूप कायम रहे, हमारी जो बहुजातीयता है, जातीयता से मतलब मेरा यहाँ पर ब्राह्मण बनिए आदि से नहीं है, जातीयता दरअसल में अंग्रेजी का जो शब्द है नेशनलिटी, उस नेशनलिटी के का सही शब्द है, जो नेशन शब्द होता है वो नेशन शब्द जाति के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। कौम जिसको कहते हैं, फारसी के अंदर जिसको कौम कहा जाता है, कौमियत, वो नेशनलिटी कौमियत, वो जातीयता। तो भाषा इस जातीयता, जो जातीय संरचना है, उस जातीय संरचना के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप देखिए, आपको ताज्जुब होगा कि कई बार धर्म वैसा काम नहीं करता है जो काम भाषाएं करती हैं। आप विदेश के अंदर जाएं और वहां पर आपको आपके गांव की भाषा या आपके आपके शहर की भाषा या आपके प्रांत की भाषा बोलने वाला अगर आपको कोई मिल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरा भाई मिल गया है। ऐसा भाईचारा पैदा करती है भाषा। और ये जो चीज है, ये चीज राष्ट्रों के निर्माण के अंदर बड़ी जरूरी हुआ करती है। इसीलिए हमारे यहां पर आप देखिए, जब देश के अंदर देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जो है वो प्रांतों के गठन की बात आई, तो प्रांतों का गठन भाषाओं के आधार पर किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक प्रांत जिसको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं और जिसके अंदर चार पांच राज्य आते हैं, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये जो चार पांच राज्यों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भी दरअसल में जो है वो हिंदी प्रदेश के रूप में या हिंदी राज्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए था और ये पूरा एक स्टेट होना चाहिए था, नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये होता तो मैं समझता हूं कि आज ये जो हिंदू मुसलमान के झगड़े हैं ना, ये हिंदू मुसलमान के झगड़े उस रूप में विकराल नहीं हो पाते जिस रूप में हमें विकराल हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये लोग ऐसी स्थिति के अंदर कितने बड़े भूभाग में जनता के अंदर उस तरह का द्वेष और वैमनस्य नहीं पैदा कर सकते। अगर ये प्रांत जो है, भाई मुझे एक बात बताइए कि तमिलनाडु के तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु बना दिया गया, कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक बना दिया गया, मलयालम केरल के बनाने के अंदर अपनी भूमिका निभाती रही,
तेलुगु आंध्र प्रदेश को बना लेना, तो फिर हिंदी प्रदेश की रचना के लिए भाषा का आधार क्यों नहीं किया? उसका कारण मैं बता देता हूं। कारण ये रहा कि हिंदी प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे भरतपुर मथुरा का जो इलाका है वहां पर ब्रज बोली जाती है, उधर आगे चले जाएंगे आप लखनऊ की तरफ तो वहां पर अवधी बोली जाती है, इधर आप दिल्ली की तरफ आ जाएंगे तो इधर खड़ी बोली बोली जाती है, बिहार के अंदर आप चले जाएंगे तो वहां पर जो है मैथिली और मागधी जो है वो उसका उपयोग किया जाता है, मैथिली का उपयोग किया जाता है, राजस्थान की तरफ आ जाएंगे तो राजस्थानी का। तो ये जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, इन उपभाषाओं की वजह से जो है वो हिंदी जाति का जो स्वरूप है वो हिंदी जाति का स्वरूप निर्मित नहीं हो पाया, और इसीलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो विभिन्न इलाकों के अंदर बट गया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भाषा है वो भाषा नेशनलिटी को बनाने के अंदर भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो जातीयता का एक प्रधान और प्रमुख अंग हुआ करती है। तो इसलिए जब हम भाषा के बारे में विचार करें तो ये जो अलग अलग दिशाएं हैं भाषाई चिंतन की, उन अलग अलग दिशाओं के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, और उसके बाद किसी भाषा के बारे में अपने निष्कर्ष निकालने चाहिए, और उसका इस्तेमाल करते हुए तो हमें निरंतर तो करना रहना ही चाहिए। आप लोगों ने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, और आप में से अगर कोई किसी के मन में सवाल पैदा हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँ। धन्यवाद। इसकी बुनियाद क्या है, बुनियाद क्या, उसका दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है उसका, ये भाषा ये कैसे करती है? कि आउटर वर्ल्ड से मैंने कुछ परसीव किया और फिर वो आप तक मैंने कन्वे किया और आपने उसको वैसे ही ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने की कोशिश की, अगर किया भी नहीं, जैसे मान ली पूरी तरह नहीं किया पर कोशिश की और आपने कुछ हिस्सा उसका समझा। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल किया है, ये है भाषा की संप्रेषणीयता का सवाल, कि वो भाषा जो है वो संप्रेषणीय है, कम्युनिकेबल है या नहीं। कुछ लोग कई बार जो है वो पता नहीं मैंने जो अपनी बातें आपसे कही वो कम्युनिकेबल थी या नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि मुझे सुनने के बाद अगर आपके मन में ये सवाल पैदा हुआ है तो मेरे मन में ये विश्वास जागा है कि मेरी कही हुई बात आप तक पहुंची। अब होता क्या है, क्योंकि भाषा मैंने जैसा बताया आपको कि वह आपके विचारों का संवहन करती है, आपके विचारों को का वहन करती है। भावनाएं तो देखिए क्या है कि आप दूसरे माध्यमों से भी प्रकट कर सकते हैं। जो गूंगा व्यक्ति होता है वो भी अपने हंसी, अपने रुदन, अपने दुख, अपने भय, अपने विषाद को प्रकट कर देगा, लेकिन
वो क्या सोच रहा है इसका पता आपको कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? आप क्या सोच रहे हैं इसका पता मुझे कैसे चलेगा? आप उसे एक भाषाई जामा जब पहनाएंगे, कुछ शब्दों के माध्यम से, चाहे वो शब्द उतने शक्तिशाली न हो, टूटे फूटे ही हो, लेकिन जब तक आप अपने सोच को शब्दों के अंदर नहीं ढालेंगे, तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप क्या सोच रहे हैं? तो वो जो आप अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको पहुंचाने के लिए आपको उस भाषा की जरूरत होगी, भाषा आपके लिए जरूरी होगी। अब सवाल ये है कि वो जो है वो किस तरह से सामने वाले को जो है वो ग्रहण होती है, सामने वाला कैसे ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने की बहुत से पहलू है। एक तो सामने वाले की समझ, सामने वाले का अनुभव, सामने वाले का ज्ञान या अध्ययन, सामने वाले की संवेदनाएं, सामने वाले का भावबोध, ये सारी चीजें मिलकर के उसको आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सब चीजें मिलकर के करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज, सब चीजें मिलकर। आप देखते कई बार जो हम जैसे किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ा, किसी कविता को पढ़ा, तो उस कविता को पढ़ते हुए हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कवि मेरे मन की बात कह रहा है। ऐसा लगता है क्या है? लगता है? क्यों लगता है? क्यों लगता है? इसका मतलब ये है कि आपके मन का तार उस कवि के मन के तार से कहीं कहीं पर कनेक्ट हुआ, तब आपको ऐसा लग रहा है। तो ये जो चीज है, ये जो ताकत है, ये ताकत एक दूसरे के विचारों को पहुंचाने की, दूसरे तक एक दूसरे की भावनाओं को दूसरे तक, ये ताकत पैदा करने की संप्रेषण जो उसका गुण है, संप्रेषणीयता उसका गुण है, उसके माध्यम से ही जो है हम एक दूसरे की बात करते हैं। हाँ, और कोई? हाँ बोलो। और बातचीत कर सकते हैं। भाषा का क्या कोई धर्म होता है? नहीं, कोई धर्म नहीं। भाषा का कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म से जोड़ना भी नहीं चाहिए। भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि भाषा तो धर्मों से पहले की चीज है। जब भाषा अस्तित्व में आई होगी तब क्या धर्म था, कौन सा धर्म था? अगर धर्मों की यार बात करें तो जो वैदिक धर्म है, चलो मैं एक मिनट के लिए आपकी जिज्ञासा के लिए ये बात कह देता हूं, जो वैदिक, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं या जो वैदिक धर्म है, वो वैदिक धर्म आप कितना पुराना मान करते थे? 5000 साल के? जो लिखित प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार 5000, 2000 साल ये, और ईसा से पहले के 3000 साल और मान। ऋग्वेद जब से अस्तित्व में आया, भाषा तो उससे पहले भी रही होगी, लोग बोलते ही होंगे, यानी 3000 साल पहले तो उस भाषा का एक लिखित प्रमाण हमारे सामने आ जाता है ऋग्वेद के रूप में। वो तो लिखित प्रमाण है, चाहे उस जमाने के अंदर लिखने की कला विकसित न हुई हो, लेकिन लोग बोलने तो लगी गए थे, तो उससे पहले वो बोलने की परंपरा रही होगी। तो उस समय कौन सा धर्म था?
आखिर जीवी लोग थे। आपको आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा ऋग्वेद का जो पहला पहली जो ऋचा है ऋग्वेद, वो ऋग्वेद की पहली ऋचा इस बात का संकेत देती है कि ऋग्वेद की रचना जो है हमारे यहाँ पर उस समय हुई जब अग्नि का आविष्कार हुआ। उसकी पहली ऋचा है अग्नि नीले पुरोहितम। तो ये शब्द जो आया अग्नि, ये शब्द तभी तो आया अस्तित्व के अंदर जब वो अग्नि का आविष्कार हो गया, मनुष्य ने अग्नि खोज ली तब उस शब्द का इस्तेमाल किया उसने। उसके पहले भी तो जो है वो कुछ न कुछ अपनी बात को कहने का कोई न कोई माध्यम उसके पास में रहा होगा। और वहां और ऋग्वेद के अंदर कोई धर्म नहीं है, और बता देता हूं मैं आपको, किसी धर्म का कोई जिक्र नहीं है। और वहां पर देवता वो है जिनका आज आपको कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ेगा। इंद्र है क्या आपके जीवन के अंदर कहीं? इंद्र का अस्तित्व है क्या? हम जानते हैं क्या कि इंद्र भी हमारे यहां पर एक देवता रहा, जबकि वो वहां उस काल के अंदर एक देवता था, वरुण एक देवता थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषाओं को धर्मों के साथ में जोड़ने की जो भूल है, ये तो ये उन लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए जो जो भाषाओं के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं। ये उनका काम है। सब लोग जो है वो इस फरेब में न आए वो ज्यादा अच्छा। एक और स्पष्टीकरण मैं करना चाहूंगा। दरअसल धर्म का भाषा से धर्म का कोई संबंध नहीं है, ये आंचलिक परिवेश पर निर्भर करता है। कश्मीरी हो या केरलाइट हो या बंगाली हो, वहाँ जितने भी सभी जातियां और धर्म विभिन्न वहाँ आवास करते हैं, उनकी जो भाषा है संप्रेषण की जो भाषा है वो वही आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे राजस्थान का वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, वो राजस्थानी में बात करते हैं। जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें इसी तरीके से। तो वहाँ धर्म का भेद कहीं भाषा में और संप्रेषण में कहीं है ही नहीं। तो उसकी बुनियादी बात यह है, ये तो सिर्फ वो जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक लोग हैं जो बांटे रखना चाहते हैं लोगों को और बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो उनके षड्यंत्र हैं। मैं एक बड़ा मजेदार आपको सुनाऊंगा। जो मेरी बोली भाषा जिस परिवेश में पले बढ़े और वो तो उसमें उर्दू शब्दों का बाहुल्य है। यहाँ हम एक जगह बैठे हुए थे तो एक उर्दू का शायर, वो जिन्होंने मजहब के ठप्पे लगा रखे हैं भाषाओं पे, तो बैठे हुए तो वो पहले तो बहुत वो कर रहे थे, बोला अरे ठाकुर साहब कमाल है आपकी भाषा, आप तो बड़ी जबरदस्त उर्दू बोलते हो। फिर कोई शब्द एक ऐसा आ गया जिसका अर्थ सही माने में वो बदल गया, बोले ये तो आपका गलत इस्तेमाल है, मेरे माफ कीजिए, ये मेरी मादरी जबान है हिंदुस्तानी, मैं उर्दू नहीं जानता, उर्दू तो हिस्से करके पढ़ लेता हूँ, लेकिन जिस परिवेश में पला बढ़ा हूँ वो भाषा है। तो भाषा का किसी धर्म से कोई उस तरह का संबंध है ही नहीं, वो तो जहाँ है जिस अंचल में हम वो संप्रेषण की वही भाषा है लोग इस्तेमाल करते हैं सब, सभी लोग, उसका जात बिरादरी और धर्म से कोई संबंध है ही। या कहीं देखा आपने देखिए परिवेश को, वो तो वो जो है वो विभाजनकारी बीच में दीवारें खड़ी करने वाले, भाषा को भी जगह बना दिया उन्होंने, भाषा को भी माध्यम बना लिया। सिर्फ इतना सा है बस, आप लोगों को शायद समझ में आई हो मेरी बात, ये मैं वो अपने शुरू में जो बात कही थी कि कुछ लोग नया मतलब देना चाहते हैं, नया मतलब अभी जोर से बोलो तो मैं ना सुना, माइक ले लो एक, मैं जोर से बोल देता हूँ। तो कुछ नया मतलब, जैसे समाज ने कुछ मतलब दिया, अब वो नए लोग नया मतलब देना चाहते हैं, तो वो जो नए लोग हैं या फिर जो नया मतलब देना चाह रहे हैं वो भी तो समाज है ना आज के, उसको हम इस तरीके से क्यों डिसरिगार्ड करना चाहते हैं, वो भी तो समाज है। वो
वो जो शब्दों के अंदर या शब्दों को जोड़ के वो नया अर्थ देने की कोशिश करने वाले लोग भी हैं तो इसी समाज के। लेकिन सवाल कुल मिलाकर के ये है कि आप जिस अर्थ को प्रेरित कर रहे हैं, जिस अर्थ को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे क्या उस अर्थ को स्वीकार कर रहे हैं? मैंने शुरू में ही ये कहा कि प्रत्येक शब्द के अंदर जो अर्थ है उस अर्थ की एक लंबी यात्रा रही है। ऐसा नहीं है कि शब्द ने अचानक कोई अर्थ प्राप्त कर लिया, अचानक अर्थ ग्रहण कर लिया, उसके पीछे बहुत बहुत लंबा सामाजिक अनुभव, जीवनगत सच्चाइयां और मनुष्य का संघर्ष रहा, तब जाकर के उस शब्द ने एक उस शब्द का एक अर्थ निर्मित हो पाया। और वो भी स्थायी नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा वो भी स्थायी नहीं है, वो भी उसका बदलता रहता है। एक उदाहरण दे देता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी। एक शब्द है आप आजकल बहुत काम में लेते हैं, साहस। उसने बड़ा साहसपूर्ण काम किया, इस शब्द की बड़ी दिलचस्प यात्रा है, इस शब्द की बड़ी दिलचस्प यात्रा है। उसने बड़ा साहसपूर्ण काम किया, वह बड़ा साहसी है। कहते हैं ना, आप जानते हैं इस शब्द का मूल अर्थ क्या था? नहीं जानते ना? इसका मूल अर्थ था जरायम पेशा जो काम करने वाले लोग होते हैं, चोरी चकारी डकैती लूटपाट, उनके लिए काम में लिया जाता था साहस। और इससे एक शब्द हमारे यहां पर एक जो है इस तरह का काम करने वाले लोगों की एक जाति, एक समूह है इस तरह के लोगों का, जिनको सांसी कहा जाता है। आपके यहां पता नहीं, वो है राजस्थान के अंदर जिनको सांसी कहा जाता है, वो जो सांसी है वो एक्चुअल में इस साहसी शब्द से ही बना हुआ सांसी। इस तरह का अच्छा, वो जो सांसी लोग हैं उनका काम यही है, चोरी चकारी लूटपाट ये काम करते हैं, वो जरायम पेशा है। तो शब्द ऐसा नहीं है, मैंने इसीलिए कहा ऐसा नहीं है शब्द का कोई अर्थ स्थायी होता, वो बदलता रहता है समय देश काल के अनुसार। आज आप उस शब्द का इस्तेमाल उस अर्थ में नहीं करते, आज आप किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जाता है उसके लिए कहते हैं उसने बड़ा साहस कार्य किया, बड़ा साहसपूर्ण कार्य, वो लड़का बहुत साहसी है, आप उसकी प्रशंसा में कहते हैं। जबकि वो शब्द तो जो है वो नकारात्मक है, वो तो नकारात्मक अर्थ देता था लेकिन अब वो सकारात्मक अर्थ देने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उसका अर्थ स्थायी है, वो बदलता रहता देश काल के अनुसार। और कई तरह के परिवर्तन होते हैं शब्दों के अंदर, तो वैसी ये यात्रा है बहुत लंबी आगे, और शब्दों की यात्रा भी वैसी है जैसी मनुष्य की यात्रा। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे इंसानों ने हर चीज में भेद निकालना शुरू कर दिया था, भेदभाव महिला पुरुष में, जातियों में, इन सब में भेदभाव करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या इंसानों ने भाषाओं में भी भेदभाव करना शुरू किया था? जैसे अपना संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, अभिव्यक्ति के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, तो क्या ऐसा भी है क्या कि भाषा भी हम कुछ चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल चाहती है हमसे भाषा जो है ये चाहती है कि उसका जो प्रचलित स्वरूप है
उस प्रचलित स्वरूप के अंदर आप किसी तरह की चीजत न आने दें, आप उसको आगे बढ़ाए, उसका उसका जो स्वरूप है उसको आप छोटा नहीं करें, संकुचित नहीं करें, उसको आप बढ़ाए। जब आप किसी भाषा को किसी धर्म के साथ में जोड़ देते हैं ना, तो उसका संकुचित नहीं। आप जब ये कहने लग जाते हैं कि उर्दू तो मुसलमानों की भाषा है, जबकि उसका कोई उसका उसका उससे कोई संबंध ही नहीं, उसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। मुसलमानों की भाषा तो तुर्की थी, तुर्क आए थे यहाँ पर, उर्दू तो नहीं थी। उर्दू तो हमारे यहाँ विकसित हुई, पली बढ़ी, हमारे यहाँ के लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, परवान चढ़ाया। तो आप जो है ना किसी भाषा के ऊपर जब इस तरह का लेबल चस्पा करने लग जाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप उस भाषा के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रख रहे, उस भाषा का के स्वरूप को छोटा कर रहे हैं, उस भाषा के स्वरूप को छोटा कर रहे हैं, जबकि उसका उसका उस भाषा का उससे कोई संबंध नहीं है। और रही बात आपकी कि जैसे भाषाओं के अंदर भी कोई इस तरह का भेद किया जाता है, हाँ किया जाता है, भाषाओं के अंदर भी इस तरह का भेद किया जाता है, और भेद करके भाषाओं को दूसरों के ऊपर शासन करने का औजार बनाया जाता है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसके सामने आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करके और उसको अपने से छोटा, अपने से घटिया, अपने से कमतर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये भाषाओं का साम्राज्यवाद है, और भाषाओं का साम्राज्यवाद आपको दुनिया के अंदर सब जगह देखने को मिले। आज भी हमारे यहाँ जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं उनका समाज के अंदर जो सम्मान है, वैसा सम्मान क्या गांव की जो ग्रामीण भाषा है, गांव की जो बोली है, उस बोली बोलने वाले व्यक्ति का वैसा सम्मान है? अरे हमारे यहाँ न्यायालयों के अंदर तो आज भी जो है वो हम अपनी स्थानीय भाषा के अंदर बात नहीं कर सकते, आज भी हमारे यहाँ ये स्थितियां हैं। न्यायालयों की जो निर्णय है वो आज भी हम अंग्रेजी के अंदर जो है प्राप्त करते हैं और उनका तर्जुमा करवाते लिखते हैं इधर उधर कि इसमें क्या लिखा है बता तो सही। ये भेदभाव है। जब मैं जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस देश की जनता, अधिकांश जनता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, आप उस भाषा को न्यायालयों की भाषा क्यों नहीं बना रहे हैं भाई, क्यों नहीं बना रहे? इसका मतलब ये है आप कहीं कहीं पर वो जो एक विभाजक रेखा है वो विभाजक रेखा बनाए रखना चाहिए। तो ये एलीट है और ये जो है ना समाज के दबे कुछ नहीं है, ये भेद है, ये भाषाओं के माध्यम से पैदा किया गया भेद है। ठीक है, आपकी बात मिर्जा गाले भी याद आए, सुना जी मिर्जा गाले भी याद आए, कहते इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम मरियम का बेटा ईसा मसीह, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, और बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो ये भाषाओं को बिगाड़ने का, उसके दुष्प्रयोग का, उसके गलत प्रभाव का ये जबरदस्त उनकी उनकी पीड़ा ठीक हो गई। मनुष्य ने अच्छा जवाब दिया उसका, और भाषा का धर्म ये तरह की समस्या है हमारी, तो जो भाषा का जो धर्म है वो तो विचारों को वहन करना है,
उसका कोई इस तरह के रिचुअल्स का कोई धर्म नहीं है। भाषा का धर्म है संस्कृतियों को आगे बढ़ाना। चाहती क्या है भाषा? भाषा चाहती है कि आजाद नदी के जैसे बन जाओ, तलछट को छोड़ते जाओ और तोड़ फोड़ करके समेटते जाओ। वो वही बात है कि भाषा जो हमसे चाहती है ना, केवल इतना सा चाहती है, किसी तरह की बाधा नहीं चाहती। वो जैसा बहना चाहती है उस तरफ बहने दो। सर ने कहा ना कि वो आप बैरियर्स लगाने लगे व्याकरण के, जब जब भाषा पर बैरियर्स लगाए गए व्याकरण के और भी तमाम तरह के, तब तो वो भाषा धीरे 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 खत्म। तो भाषा पर इस तरह का किसी तरह का वो नहीं चाहती कि हम उन पर बैरियर। आप किसी भी तरह की भाषा के संसर्ग में जा रहे हैं तो आप अपने कुछ शब्द होने दीजिए अच्छे संदर्भों वाले, और जहां आप है वहां से कुछ शब्द आप उठाइए, अपने को समृद्ध करिए। भाषा ये चाहती है, वो समृद्ध होना चाहती है, फैलना चाहती है, हवा की तरह फैलना बहना, ये हम लोगों से चाहती है। हम किसी की भाषा पर किसी तरह का कोई अंगुली न उठाए, भाषाओं पर अंगुली उठाना बंद करें। मतलब एलिट असभ्य ये कहना बंद करें हम भाषाओं को लेकर। हाँ, भाषा अपना स्वरूप अपने आप बदल लेती। नया विधान जब आया तो कुछ शब्द तो हमें छोड़ने पड़ेंगे, अब क्योंकि हमने तय किया है, भाषा को भी इंसान ने इजाद किया है, तो उस नए विधान के अनुसार आप किसी को अबला नहीं कह सकते, आप किसी को कुजात नहीं कह सकते, आप किसी को जनाना नहीं कह सकते। अब तो वो क्या है कि हमने जो विधान तय कर लिया है आज के समय में, हमने जो धाम लिया है, तो उसके अनुसार भी भाषा अपने आप को मोल्ड करती है। और उसी के संदर्भ में कह रहा हूं, उन तलछट को हमें छोड़ना पड़ता है, वो अप्रासंगिक हो जाते अपने आप ही, क्योंकि वो संघर्ष जब होता है किसी शब्द को लेकर के, विचार जब होता है तो धीरे धीरे अपने आप छूटने लगता है। और भाषा की बहुत ही खूबसूरत खूबी है छोड़ देना और ग्रहण। और हम सबको भाषा जैसा होना है। शुक्रिया। तो पिछले थर्सडे हमने जहाँ से कुछ चीजें अधूरी छोड़ी थी, वो ऐसा लग रहा है कि काफी आज हम समेट चुके हैं। तो कुछ लोग उस टाइम नहीं थे, बट ऐसी कुछ चीजों पे बात हुई थी, जैसे नेचर ऑफ लैंग्वेज या फिर कैसे भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन, जिस पे आज हमने फिर से थोड़ा टच किया। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि भाई इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि थोड़े बहुत मिक्सचर जो होते हैं बायलिंगुअली, कभी मल्टीलिंगुअली हो जाता है, वही कोशिश मैं करती हूँ कि क्लास में भी वैसे ही रहूँ। तो ऐसी बात कर लूँगी मैं कि थोड़ा बहुत इंग्लिश और थोड़ा बहुत हिंदी। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात थी, आपने भी बोली थी और फिर आज सर ने भी दोबारा बोली, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में रह जाएंगी। और डिस्कशन जो है कि चाहे जैसा हो, इसका इंटेंशन यही था कि हम सबके मन में कुछ सवाल है, शायद हम सब ने कुछ बोला ना हो, बट जरूर हमने कुछ सोचा जरूर है इन सब चीज़ों के बारे में। एक बात जो और मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मातृभाषा अंग्रेजी थी, बट जहाँ जिस स्कूल में मैं गई और उधर इन सब लैंग्वेजेस को स्पेस नहीं है, तो रिजल्ट ये हुआ कि अब मैं अपने रिश्तेदारों से भी वैसे बात नहीं करती, क्योंकि वो सब अवधी बोलते हैं और मेरी जो पूरी छोटी क्लासेस से लेकर 12th तक है वो सारा पूरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहा है। और हिंदी पे भी शुद्धता पे बात करें, लिखते हम ऐसी हिंदी थे जो जिसका प्रयोग हम करते हैं। तो इन सब बातों का जो है मुझे ध्यान रहता है कि क्लास में जब मेरे सामने ऐसे बच्चे आते हैं जो बंगाली बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, तो ये लैंग्वेज कैसे, ये कहीं मैंने
किताबों में नहीं पढ़ा, बट जो फील किया, जो मुझे समझ में आता है इधर आ। बाकी मैं मनु शर्मा जी का बहुत ही ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहूँगी कि यहाँ पे आके पहली बार हमारे बाहर में पहली बार आपसे मिली, बट पिछले दो थर्सडे में हमारा कोई इंटरनल मेंबर ही आता था, बट आज कोई बाहर से आए तो मतलब हम थोड़ा इसे एक्सपैंड करते जाते हैं, और आशा है कि मतलब अगली बार भी कोई और आके हमारे बीच में कुछ अपने पॉइंट रखेंगे, कुछ व्यू पॉइंट रखेंगे और कुछ हमारे साथ नए पॉस्ट। आशा आशा भी ऐसी चीज है जो उसके लिए आशाओं के भी बनने बिगड़ने की प्रक्रिया सतत निरंतर जमा मकी जो सो जाती है परसों ये जाग के सो जाती है तन्हाई में अक्सर ये सोचा कि ये बड़ा तहजीबें क्यों गुरूब हो जाती है। जैसे आपने कहा कि अवध ही ऐसी हम हमारा जो यहाँ पैदाइशी है वो ब्रजभाषा, लेकिन अब वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है बच्चे शायद कोशिश करने पे बोल रहे हैं, लेकिन वो जो पोती पोते हैं उनका तो वहीं उससे बिल्कुल संबंध निकट गया। तो ऐसे भाषाएं और बोलियां ऐसे बदलती हैं और हमें भाषाओं को लुप्त होने से बचाना चाहिए, भाषाएं भी लुप्त हो जाती हैं। ये उनको लुप्त होने से बचाना चाहिए वो जरूरी है।